नगरी में हम सभी कलाकार इस प्रांगण में उपस्थित हैं। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज गोरखपुर महोत्सव के बाद रवि किशन सर से मुलाकात करने का आज मौका मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर को और अखिलेश भैया को, दोनों लोगों को बहुत सारा धन्यवाद है हम सभी कलाकारों को यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस कंपनी के लिए। और हम लोग भी गाने गाने वाले हैं इनकी कंपनी के लिए, बट शिवानी से शुरुआत हुई है और इस गाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं शिवानी को और उनके साथ जो भी आशुतोष भैया को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं उजाला एंटरटेनमेंट के माध्यम से, आइए ना, और बहुत ही अच्छा गाने लिखते हैं। बस ये कि अभी हम ही गाने लिख दे रहे हैं, बाकी सबको दे रहे हैं गाने। हाँ हो चुका है ना, मतलब मेरे को लेकर अभी हाल फिलहाल में कोई गाने आप नहीं कर रहे हैं, छोड़िए ना क्या मैं बोलूँ आपके बारे में। और मनीष कश्यप भैया से मेरी मुलाकात हुई है आज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मेरा भी एक रिकॉर्डिंग, राकेश भैया मेरा भी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अनुपमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में, आपको वहाँ भी आना है। वैसे चरण रखेंगे हम भैया, ये भाई आज खुलासा किया है मनीष भैया ने। मैं चाहूँगी राकेश भैया और मनीष भैया के लिए जोरदार ताली से बजा दीजिए। और डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, बहुत बहुत प्रणाम सर, खा लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और मुन्ना भी आए हुए हैं MM स्टूडियो से, और भट्ट भी आए हुए हैं, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर भूपेश भाई भी बैठे हुए हैं हमारे, क्योंकि मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ तो सभी से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। सभी आज यहाँ उपस्थित हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना। अच्छा आज सर की फरमाइश पे गाना होगा, रवि सर आज कुछ फरमाइश करेंगे। सर सबसे पहले तो बता दूँ, गोरखपुर महोत्सव में एक गोरखपुर की किसी भी गायिका को एक मौका देना, वो भी बड़े प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसका श्रेय सबसे बड़ा जाता है रवि किशन सर को कि सर ने खुद मुझे कॉल किया था। और सर सही बात है, आप हमारे गोरखपुर के सांसद, हमारे लिए गर्व की बात है सर। कहीं भी हम, क्योंकि सर कई जगह देखा जाता है कि अपने क्षेत्र के कलाकारों को इतने बड़े मंच पे परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलता है सर। आप कहीं देख लीजिए, देवरिया महोत्सव में देखिए, देवरिया के बहुत कम ही कलाकारों को मौका दिया जाता है। बस्ती महोत्सव चाहे आप किसी भी महोत्सव की आप बात कर लीजिए, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि गोरखपुर महोत्सव में मुझे कल्पना दीदी को और शिल्पी राज को, उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया गया था सर, ये श्रेय आपको जाता है। इसके लिए मैं जिंदगी भर आपके लिए हूँ सर, और मैं जिंदगी में ये भूल नहीं सकती सर, वो पल जब आप खुद मेरे गाने को सामने बैठ के सुन रहे थे कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, आपने सर बहुत प्यार दिया। मैं चाहूंगी रवि किशन सर के लिए एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिए आप सभी। और सर क्या सुनना चाहेंगे आज, आज इतना अच्छा मौका है, आज इतना अच्छा दस्तूर है, क्या सुनना चाहेंगे सर? ये मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है, अरबाबों की शुरुआत इसी गाने से होती है। तो मेरे लिए आज मेरी जो धनिया है, अच्छा रविराज दीपू भैया भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत भैया, ये आज मेरे लिए मेरी धनिया ये है आज, ये धनिया पुदीना सब चीज है आज, चटनी उटनी सब है आज। तो यामिनी सिंह जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, बड़ी बहन भी है ना, बस ये हंस देना मतलब वहां कबाड़ा हो गया, इसलिए मैं सब कहती दीदी तुम कम हंसा करो यार। और जितनी भी मेरी पहले हैं, पल्लवी है, पल्लवी भी बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस है हमारी भोजपुरी की, और यामिनी तो खैर ये तो लड़का है, मतलब लड़की कम मार दो लड़का है ये, अरे मतलब हम लोग के लिए नहीं 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 हाँ आज दोनों भी सेम थोड़ा बहुत वही कलर पहन रहे है ना, लेकिन बाकी याद दोनों बहुत अच्छे लगे। तो आप दोनों के लिए आप तीनों के लिए कहना, शिवानी तुम भी आ जाओ आगे, आप सभी के लिए, मतलब तुम्हारे लिए नहीं बाकी दोनों के लिए कहेंगे। हो बड़ा नीक लागेला बन के हमरा जिंदगी में आयल गोर पड़े सावर न गोर पड़े हो कि जैसन सुचले रहनी वैसन पियव मोर पड़े
वरना गोर बड़े हो। गोरखपुर के कलाकारों में और लोगों में यही एक कमी है, हम गा रहे हैं ना एक को ताली नहीं बजाएंगे, तो यही होता है। पागल हो गया, खो नहीं है, आप तो गलत सोच रहे, किसी का ध्यान खाने पर है, किसी का मोबाइल पर है, किसी का कैमरे पर है। सर आपको नहीं कहती मैं, देखिए लेकिन मनीष भैया भी मानना पड़ेगा भैया, वाह वाह भैया। मैं चाहूंगी कि रवि किशन सर अगर मेरे साथ ये गाना गाते तो सोने में सुहागा होगा ना एकदम सही, बताइएगा कितने लोग मेरी बात से सहमत है, हाथ नीचे करिएगा। मैंने बोला हाथ नीचे करिएगा, कितने लोग मेरी बात से सहमत है, हाथ ऊपर करिएगा, जल्दी बताइए। बस सर आप नहीं चाहते, सर आप चाहते सर, तो सर आइए सर, मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए रवि किशन सर का। सर आइए जल्दी आइए सर, अभी भी कोई ताली अनुपमा जी कुछ गुनगुना भी दे दो लाइन और बधाई भी दे दे। सबसे पहले आज जितने बड़ी बाजी सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और मैं चाहूंगी कुछ बोलने से पहले एक बार मेरे साथ मिलकर बोल दीजिए ओम नमः पार्वती पते। और इसका और ढोकर उठाएगा भैया इसका, हेलो, क्योंकि गायक है ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। हेलो कहाँ है, हेलो जिया जिया हो बिहार के लाला हो, जिया जिया हो बिहार के लाला हो। और हमारे गुरु जी भी हम सभी के बीच है, हम चाहते हैं आप भी तो उनके लिए आए, और बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा अयांश और बेटा आर्यन सॉरी, मैं चाहूंगा कि अब बेटा सम्मान की बारी है, भाभी जी आप रुकिए यहाँ पर क्योंकि आपको सम्मानित करना है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे माननीय रत्नाकर पांडे जी हैं, मैं चाहूंगा सर से कि मंच पर आएंगे प्लीज। रत्नाकर जी से मैं गुजारिश करूंगा कि सर मंच पे आएंगे प्लीज। हाँ शिवानी जी आगे, नागेंद्र उजाला जी हैं, रवि राय दीपू जी हैं, शिवानी जी हाँ शिवानी जी हाँ, उसके बाद रवि राय दीपू जी, रवि राय